हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रिधिमा। आज मैं आपके लिए क्लास वन स्टोरी नंबर 17 द काइट की स्टोरी रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो या पहले से देखते आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और आप मेरी वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखना, जिससे आपको एक ही बार में पूरी स्टोरी बुक याद हो जाए। आप स्टोरी बुक लर्न कर लोगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे इस स्टोरी बुक से रिलेटेड, वो आप इजीली कंप्लीट कर लोगे। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सैटरडे मॉर्निंग एंड ध्रुव वॉज ईटिंग हीज ब्रेकफास्ट। सैटरडे मीन्स शनिवार। शनिवार की सुबह बहुत खूबसूरत थी और ध्रुव अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहा था। ही स्पूनड माउथफुल्स ऑफ स्वीट राइस पोरिज इन अ हरी। पोरिज मीन्स दलिया। स्वीट राइस चावल, मीठे चावल, उसने एक चम्मच मीठे चावल का दलिया अपने मुंह में हड़बड़ी में भर लिया। ही वॉज इन अ हरी टू प्ले आउटसाइड। उसे बाहर खेलने की जल्दी थी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऑन सैटरडेज ध्रुव ऑलवेज प्लेड विथ हीज फ्रेंड्स। हर शनिवार ध्रुव अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। समटाइम्स दे प्लेड फुटबॉल, समटाइम्स दे प्लेड कैच। कभी कभी ध्रुव अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता था और कभी कभी ध्रुव अपने दोस्तों के साथ कैच खेलता था। बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। टुडे ही वॉन्टेड टू प्ले बाय हिमसेल्फ, लेकिन वह आज अकेला खेलना चाहता था। किड्स, साथ साथ आप लाइक का बटन भी प्रेस करते जाना, ओके। ध्रुव हैड अ न्यू काइट, His uncle had bought it for him. ध्रुव के पास एक नई काइट थी जो उसके अंकल यानी कि चाचा ने उसके लिए खरीदी थी। नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। It was big and sharp like a diamond. वो एक बहुत बड़ी और एक डायमंड की शेप में थी। डायमंड मीन्स हीरा। इट वॉज मेड ऑफ कलरफुल पेपर दैट वॉज थिन। यह पतंग रंगीन कागज से बनी थी। पेपर मीन्स कागज, जो बहुत पतला था। थिन मीन्स पतला। देयर वॉज अ पेंटिंग ऑफ अ गोल्ड फिश ऑन इट। उस पतंग के ऊपर एक सुनहरी मछली का चित्र बना हुआ था। द काइट हैड अ लॉन्ग टेल ऑफ पेपर रिबन्स। और काइट की एक लंबी पूंछ थी रिबन की बनी हुई। इट ऑल्सो केम विथ अ स्पूल ऑफ थ्रेड। और वह एक स्पूल, धागे के स्पूल के साथ भी आया था। किड्स, स्टोरी अच्छी लग रही होगी, साथ में सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को। नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। ध्रुव वांटेड इट टू बी अ विंडी डे विद लॉट्स ऑफ सनशाइन। ध्रुव चाहता था कि यह बहुत ही तेज धूप वाला हवादार दिन हो। विंडी मीन्स हवा, हवादार।
ही लुक्ड आउट द विंडो, उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। देयर वॉज द सन शाइनिंग हॉट एंड ब्राइट, वह सूरज गर्म और चमकीला चमक रहा था। ही स्टक हिज हैंड आउट, उसने अपना हाथ बाहर निकाला। ही कुड फील अ लाइट ब्रीज, ब्रीज मीन्स हवा, वह हल्की हवा फील कर रहा था। फील मीन्स महसूस। ही वंडर्ड वुड इट बी इनफ टू फ्लाई अ काइट, उसने सोचा क्या पतंग उड़ाने के लिए यह काफ़ी होगा। स्टोरी कैसी लग रही है किड्स? बिना स्किप करे पूरी देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना। नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। ध्रुव रैन टू हीज रूम एंड पिक्ड अप हीज काइट एंड द स्पूल, ध्रुव दौड़ कर अपने कमरे में गया और अपनी पतंग और रील उठा ली। ही वेव्ड गुड बाय टू हीज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, आई एम ऑफ टू फ्लाई माई काइट, उसने अपना हाथ उठाया और अलविदा कहा अपने दादी और दादा को। कहा मैं पतंग उड़ाने के लिए निकल रहा हूँ। नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। ही स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड लुक्ड एट द ट्री, उसने घर से बाहर कदम रखा और पेड़ को देखा। द लीव्स वर नॉट मूविंग, पत्ते हिल नहीं रहे थे। ही लुक्ड द टॉल ग्रास एट हीज फीट, उसने अपने पैरों के पास जो बड़ी घास थी उसे देखा। दे टू वर नॉट मूविंग, और वह भी नहीं हिल रही थी। बट ही कुड स्टिल फील द कूल ब्रीज, पर वह ठंडी हवा महसूस कर रहा था। नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। ही थ्रू हीज काइट हाई अप इन द एयर, fell down on his feet, उसने अपनी पतंग को ऊपर हवा में उछाला और वह उसके पैरों में आकर गिर पड़ी। His grandfather stepped out and said, let us go to the park today, you can run around and fly a kite, उसके दादाजी बाहर आए और उन्होंने कहा चलो हम आज पार्क चलते हैं और तुम वहाँ इधर उधर घूम भी सकते हो, दौड़ सकते हो और वहाँ पतंग भी उड़ा सकते हो। नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। ध्रुव एंड हिज ग्रैंडफादर वेंट टू द पार्क, द ब्रीज सीम्ड स्ट्रॉन्गर, ध्रुव और उसके दादाजी पार्क में गए और वहाँ हवा तेज लग रही थी। द लीव्स वर मूविंग एंड द ब्रांचेस वर स्विंग, पत्ते हिल रहे थे और डालियाँ हिल रही थी। हीज ग्रैंडफादर हेल्ड द थ्रेड, उसके दादाजी ने धागा पकड़ा, रील पकड़ी। ध्रुव रन अहेड विद द काइट एंड फ्लंग इट अप इन द एयर, ध्रुव पतंग लेकर आगे बढ़ा और उसे हवा में उछाल दिया। आई होप किड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट पेज रीड करते हैं। ध्रुव जम्प्ड अप एंड डाउन एंड येल्ड इट्स फ्लाइंग, ध्रुव ऊपर नीचे उछला और वह चिल्लाया यह उड़ रहा है, यह उड़ रहा है। किड्स मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप एक लाइक तो कर सकते हो।
नेक्स्ट पेज रीड करते हैं. सून द काइट फ्लू इनटू अ ट्री एंड गॉट स्टक इन अ ब्रांच. जल्द ही पतंग उड़कर पेड़ से टकरा गई और एक शाखा में डाली में फंस गई. ध्रुव क्लाइम्ड अप ऑन हिज ग्रैंडफादर्स बैक एंड पुल्ड इट फ्री. ध्रुव अपने दादाजी की कमर पर चढ़ा और उसने पतंग को निकाल दिया. ही लुक्ड एट द काइट. उसने पतंग को देखा. इट वॉज नॉट टॉर्न. टॉर्न मीन्स फटा हुआ. वह फटी हुई नहीं थी. इट वॉज फाइन टू फ्लाई. वह ठीक थी उड़ने के लिए. नेक्स्ट पेज रीड करते हैं. डू यू वॉन्ट टू फ्लाई द काइट एट द बीच. क्या तुम समुद्र तट पर पतंग उड़ाना चाहते हो? हीज ग्रैंडफादर आस्क्ड. उसके दादाजी ने पूछा. देयर आर नो ट्रीज देयर. वहाँ कोई भी पेड़ नहीं है. नेक्स्ट पेज रीड करते हैं. ध्रुव एंड हीज ग्रैंडफादर वेंट टू द बीच. ध्रुव और उसके दादाजी बीच पर गए. समुद्र तट पर गए. द वेव्स वर बिग एंड ब्लू एंड द सैंड वॉज वार्म. लहरें बड़ी और नीली थी और रेत गर्म थी. देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई. और वहाँ एक भी बादल नहीं था आसमान में. द विंड हैड ब्लोन देम ऑल अवे. हवा ने उन सबको उड़ा दिया था. किड्स एंड देयर पेरेंट्स. ये स्टोरी का लास्ट पेज है. स्टोरी फिनिश होने वाली है. आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और साथ में सब्सक्राइब करना भी मत भूलना. बेल आइकन प्रेस करना. आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. अब लास्ट पेज रीड करते हैं. द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग. हवा बहुत तेज थी. द काइट फ्लू हैप्पीली इन द ब्लू स्काई. ध्रुव स्माइल्ड एट ग्रैंडपा. ध्रुव की पतंग खुशी से आसमान में उड़ रही थी. यह देखकर ध्रुव खुश हुआ और अपने दादाजी की ओर देखकर मुस्कुराया. अब यहाँ पे स्टोरी हुई फिनिश. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो किड्स. वेलकम टू माई चैनल रिधिमा. आपको ऐसे ही आगे वीडियोज़ मिलती रहेंगी.